हेलो, नमस्कार। मैं सलोनी, स्वागत करती हूँ आप सभी का संविदाज किचन में। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मैगी की रेसिपी। वैसे तो मैगी के बहुत वेरिएंट्स हैं, हर कोई इसे अपने अपने तरीके से बनाता है, तो आपने भी कोई ना कोई वेरिएंट ट्राई किया ही होगा या फिर करना चाहते होंगे। तो मेरी बनाई तरीके से मैगी बनाइए, चीजी बनेगी, परफेक्ट बनेगी, सभी को बहुत पसंद आएगी। फिर शुरू करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स और प्रोसेसेस से। इस स्पेशल चीजी मैगी बनाने के लिए कढ़ाई या किसी बड़े बर्तन में लगभग 3 कप पानी डालेंगे। 2 पैकेट मैगी के लिए मैंने 3 कप पानी का इस्तेमाल किया है ताकि ये सौगी ना हो और ज़्यादा पानी में ये फ्रीली पके। तो जैसे ही पानी में उबाल आने लगे तब हम इसमें मैगी डालेंगे। अगर आपको मैगी के स्ट्रिंग्स लंबे लंबे खाने में पसंद हो तो आप इसे बिना तोरे डाल दें, या बहुत लोगों को ये छोटे टुकड़ों में पसंद होते हैं, तो जैसे भी इसके स्ट्रिंग्स आपको पसंद हो वैसे आप इसे बॉयल कर सकते हैं। बस इसे हमें पूरी तरह नहीं पकाना है, थोड़ा कच्चा रखना है। इसे चलाते हुए हम पानी में डुबो देंगे और जैसे ही इनके सारे स्ट्रिंग्स या लच्छे जो भी बोले आप इस तरह अलग होने लगे, हल्का सा इसमें कच्चापन लगे, तभी हमें फ्लेम को बंद कर देना है और फटाफट से इसे गर्म पानी से निकाल लेंगे ताकि ये ओवरकुक यानी पूरी तरह कुक ना हो। तो इस मैगी को मैंने पानी में डालने के बाद बस 1 मिनट ही उबाला है। इस रेसिपी को आप अगर रिक्रिएट करें तो घड़ी देखकर बस 1 मिनट तक ही उबालें ताकि मैगी में कच्चापन रहे और ये चिपचिपी ना हो। इसे किसी छलनी से निकाल लेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो कढ़ाई में ही रह जाए। मैंने इसे निकाल कर स्ट्रेनर में रखा है ताकि जो भी थोड़ा बहुत पानी रह गया हो वो निकल जाए और चारों तरफ से हवा लगने के कारण इसमें चिपचिपाहट ना हो। मैं इसे इसी स्ट्रेनर में रखकर छोड़ देती हूँ और चलते हैं आगे के प्रोसेस में। कढ़ाई में हम लगभग 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। तेल के गर्म होते ही इसमें डालना है 1 बड़े साइज़ का प्याज बारीक काटकर। जितना तीखापन आपको इस मैगी में चाहिए उसी के अनुसार हरी मिर्चों को बारीक काटकर डाल लीजिए, और नहीं डालना चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो प्याज का जैसे ही हल्का सा कलर चेंज हो जाए यानी जब यह ट्रांसलूसेंट दिखने लगे तब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसकी जगह आप इसे बारीक काटकर भी यूज कर सकते हैं। फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। अब इन सबको हमें गोल्डन होने तक भूनना है। तो जब प्याज इस तरह गोल्डन दिखने लगे फिर हम इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज़ का टमाटर बारीक काटकर। फ्लेम मीडियम रखते हुए टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक हम पका लेंगे। जब ये सॉफ्ट हो जाए तब हम इसमें डालेंगे मैगी का जो टेस्ट मेकर मसाला आता है वो। 2 पैकेट मैंने मसाला डाल दिया। इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब हमें लगभग 150 से 200 ml तक पानी यूज करना है। पानी को हम अच्छी तरह मिला लेंगे और जब इसमें उबाल आने लगे तब इस मैगी को बनाना है खास स्पेशल चीज़ के साथ। तो मैंने जो प्रोसेस्ड चीज़ का क्यूब आता है वो 2 क्यूब को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाला है। चीज़ की क्वांटिटी आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। बस चीज़ को आपको मिक्स कर लेना है और फटाफट से जो हमने शुरू में मैगी को बॉयल करके रखा था वो हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैगी आपस में बिल्कुल नहीं चिपकी है, इसलिए आप मैगी को उबालने में ध्यान ज़रूर रखें कि हमें इसे थोड़ा सा कच्चा ही रखना है। अब हम मैगी में सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और बस 1 मिनट के लिए ही इसे मिक्स करेंगे, पकाएंगे बिल्कुल नहीं। मैगी मसाला में नमक होता है और जो हमने चीज़ यूज किया है उसमें भी नमक होता है, तो हमें नमक डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। फ्लेम बंद कर देंगे और गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए। मैगी तो हमारी 2 मिनट में ही बनेगी, लेकिन थोड़ा सा अलग फ्लेवर और ट्विस्ट के साथ इसे बनाएंगे तो टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। वैसे तो मैगी का एक अपना खास स्वाद होता है, तो इसी स्वाद को हम और भी फ्लेवरफुल बनाएंगे। स्प्रिंग अनियन के पत्तों को काटकर गार्निश कीजिए और पसंद हो तो बटर डालकर इंजॉय कीजिए। आप भी ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।